हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। राखी का त्यौहार आ रहा है और इसी के चलते मैंने ये राखी बनाई है घर पर, जो भी मेरे पास अवेलेबल था उन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं DIY करती रहती हूँ तो मेरे पास ये सब चीज़ें रहती है। और अभी मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ तो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वो सब इसमें यूज़ किया है और उनसे ही ये सब राखियाँ बनाई हैं। आप लोग भी प्लीज़ घर पर ट्राई करें और कोशिश करें कि आप भी अच्छी प्यारी प्यारी राखी बनाएं और अपने हाथों से ही बनाकर अपने भाइयों को ये राखी बांधे। अच्छा लगता है अपने हाथों से बंधी हुई राखी बांधना। ये जो है मेरे पास ये मोती वगैरह कुछ कुछ स्टोन्स वगैरह रखे हुए थे, उन्हीं का मैं यूज़ करके राखी बना रही हूँ। देख सकते हैं छोटी छोटी जो मोतियाँ हैं उनका यूज़ करके, ये स्टोन्स वगैरह का यूज़ करके जो है मैं इस टाइप से पेपर के ऊपर सर्कल में गोल कलर कर और इस पे स्टोन वगैरह से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये पेपर पे मैंने बनाया है और बाद में इस पेपर को मैं शेप में कट कर दूंगी। इस टाइप से स्टोन्स थे मेरे पास जिनसे मैंने राखी क्रिएट की है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसा अवेलेबल हो, आप उससे जो है राखी बना सकते हैं। मौली धागे से, चावल से, या आपके पास जो भी स्टोन्स वगैरह हैं उनसे, कुछ वुलन्स वगैरह ऐड करके, मेरे पास कुछ वुलन्स वगैरह भी रखे थे उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है, उनसे भी मैंने राखियाँ बनाई हैं। कुछ दो से चार मैंने इसमें डेमो दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये एक मैंने आइडिया दिया है आपको कि आप इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। ये वुलन है मैंने लिया है, इसको राउंड राउंड करके हमें जो है पम पम बोल क्रिएट करना है, उन्हें जो है शेप में कट करके। ये भी बहुत प्यारी लगती है, छोटी सी छोटे छोटे बच्चों के लिए ही राखी है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। आई होप आप लोग बच्चों को भी सिखाएं और उन्हें भी अच्छा लगेगा। साथ में बनाइए, बच्चों को भी बताइए। मेरी भी बेटी मेरे साथ में बना रही थी साइड में। इस टाइप से ये ना चैन बना लेना है हमको, कोई भी आपके पास जैसा ऊन हो उस हिसाब से आप इस टाइप से जो है चैन बना लेंगे। ये देख सकते हैं, और इस पे जो है ऐड कर देंगे इनको।
इसमें जो है मैंने वाइट कलर का वुलन लिया है। इसी तरह से हमें दो सर्कल बनाने हैं, एक छोटा और एक बड़े साइज में। और ये इस कोम से मैं इसको जो है अच्छे से इस टाइप से कोम कर देंगे, इसे थोड़ा और अच्छा लगता है, बाउंसी हो जाता है ये। ऐसे जो है मैं दो सर्कल बना लेंगे छोटे साइज में बड़े साइज में, और इनको बराबर शेप में कट करके जो है इस तरह से ग्लू से फिक्स कर देंगे। और इसमें जो है मेरे पास बिंदी आती है, मैंने वो बिंदी से आँखें और नोज़ मैंने बनाई है। तो और पेपर से जो है मैंने इनके जो है ईयर्स कट किए हैं और उन्हें स्टिक करके, ये छोटे छोटे बच्चों को बड़ी पसंद आएगी ये राखी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है, आसान तरीके से ये जल्दी बन जाता है। बच्चों को सिखाइए, बनाइए और उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब चीज़ें बनाना। और जैसे मैंने चैन बताई थी वैसे हर एक राखी में आप उसी टाइप की चैन लगा सकते हैं, या आप सिंपल भी रख सकते हैं। इस टाइप से मैंने ये राखी बना ली है। कैसी लगी मेरी ये राखी आपको बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन।